हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और आज की इस वीडियो में हम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने प्राइम मिनिस्टर के बारे में पढ़ा था, तो आज हम प्राइम मिनिस्टर के साथ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होती है उसके बारे में समझेंगे। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जिसको कि मंत्रिपरिषद भी बोला जाता है, जिसमें हम कैबिनेट मिनिस्टर, स्टेट मिनिस्टर, डिप्टी मिनिस्टर, ये सारी चीज़ों कवर करेंगे। आर्टिकल 74-75 को अच्छे से पढ़ेंगे। तो आइए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब्ड, एंड आल्सो प्रेस द बेल आइकन फॉर गेटिंग द नोटिफिकेशन ऑफ द ऑल वीडियोज वेरी फर्स्टली। तो आइए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन के साथ मैं टॉपिक को शुरू करूंगा। अगर मैं इस टॉपिक को इंट्रोड्यूस करने की बात करूं, तो हमें पता है इंडिया में हमने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को अडॉप्ट किया है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जिसे कि संसदीय शासन प्रणाली बोलते हैं, इसकी मेन विशेषता ये होती है कि इसमें टू प्रकार के एग्जीक्यूटिव होते हैं, दो प्रकार के एग्जीक्यूटिव होते हैं। एक तो रियल एग्जीक्यूटिव होते हैं, और दूसरे इसी गवर्नमेंट में नॉमिनल एग्जीक्यूटिव भी होते हैं। रियल एग्जीक्यूटिव जो होते हैं, हमारे देश की मैं बात करूं तो हमारे देश में रियल एग्जीक्यूटिव कौन है? प्राइम मिनिस्टर और साथ में उसकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। और अगर मैं नॉमिनल एग्जीक्यूटिव की बात करूँ इंडिया में कौन है, तो नॉमिनल एग्जीक्यूटिव में आते हैं हमारे प्रेजिडेंट, तो मेरे दोस्तों, इन द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इसकी खास बात ये है कि जो भी देश में काम होता है, मेन मेन अपॉइंटमेंट्स होती हैं या कुछ भी काम करना होता है, पावर ऑफ एमरजेंसी डिक्लेयर करनी होती है, ये सारी जो काम है वो करता कौन है? प्रेसिडेंट। लेकिन ये सारे के सारे काम प्रेसिडेंट अपनी मर्जी से नहीं करता। प्रेसिडेंट केवल एक नॉमिनल एग्जीक्यूटिव है, एक डी जुरे कानून की नज़रों में एक एग्जीक्यूटिव है, काम करने वाली अथॉरिटी है, डी जुरे अथॉरिटी है। लेकिन ये जितना भी काम करता है वो सारा का सारा काम रियल एग्जीक्यूटिव की एडवाइस पे करता है। प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो हैं वो रियल एग्जीक्यूटिव में आते हैं, उसके एडवाइस पे प्रेसिडेंट ये सारा काम करता है। ये सारी बातें आप इंट्रोडक्शन में लिखोगे। आप लिखोगे इसके बाद कि आर्टिकल 74 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन साफ साफ बोलता है कि देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विद प्राइम मिनिस्टर एट इट्स हेड। अर्थात यहाँ पे एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होगी और प्राइम मिनिस्टर इसके हेड होंगे। उस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के सबसे ऊपर हेड कौन होंगे? चेयरमैन कौन होंगे उसके? प्राइम मिनिस्टर। क्यों? फॉर गिविंग द एडवाइस टू प्रेजिडेंट, एंड प्रेजिडेंट शैल एक्ट इन अकॉर्डेंस विद सच एडवाइस। ये बात आर्टिकल 74 में बोली गई है। अर्थात आर्टिकल 74 में साफ साफ लिख दिया गया कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में हमारे इंडिया में प्राइम मिनिस्टर और उसकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का होना बड़ा जरूरी है। तो ये जनरल इंट्रोडक्शन हमें समझ आ गई। अब हम समझेंगे कि वट इज दिस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती क्या है। तो मेरे दोस्तों, अब अगर मैं बात करूँ वट इज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स या फिर मंत्रिपरिषद, इट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, एक संविधानिक बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जिसको कि प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या है? यह मिनिस्टर्स की एक बॉडी है जिसको कि प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पर, प्राइम मिनिस्टर एडवाइस देते हैं, उनके एडवाइस पर प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, क्या बोला मैंने आपको कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बेसिकली इट कंसिस्ट द मिनिस्टर्स हु आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बट ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। तो जब भी इलेक्शन होते हैं, लोकसभा की गवर्नमेंट बनती है और जो हमारे प्रेसिडेंट है वो प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करते हैं, तो उसके बाद प्राइम मिनिस्टर अपनी एक मिनिस्टर्स की लिस्ट तैयार करते हैं
और उन मिनिस्टर्स में कुछ मिनिस्टर्स को वो कैबिनेट मिनिस्टर्स बना देते हैं, कुछ मिनिस्टर्स को वो स्टेट मिनिस्टर्स बना देते हैं, कुछ को डिप्टी मिनिस्टर्स बना देते हैं। ये हम क्या होते हैं हम सब पढ़ेंगे, डोंट वरी। और उनको फिर वो लिस्ट तैयार करके प्रेसिडेंट साहब को दे देते हैं, प्रेसिडेंट साहब क्या करते हैं उनको फिर एज ए मिनिस्टर अपॉइंट कर लेते हैं। तो व्हाट इज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, बस बेसिकली इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। व्हाई इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, बिकॉज आर्टिकल 74-75 इसके बारे में बताता है। जो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 74-75 है वो इसी के बारे में बताता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में। देयरफॉर दिस इज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी अपॉइंटेड बाई द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया। अब हम पढ़ेंगे कि ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं ये अपॉइंट कैसे होती हैं, और बहुत सारी चीज़ें हम लगातार पढ़ते जाएंगे। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक जरूर कर दें, लाइक में कंजूसी ना करें। तो मेरे दोस्तों, अब अगर मैं मिनिस्टर्स के अपॉइंटमेंट की बात करूं कि मिनिस्टर अपॉइंट कैसे होते हैं, तो आर्टिकल 75 क्लोज वन क्या बोलता है, 75 क्लोज वन ये बोलता है कि प्राइम मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाई द प्रेजिडेंट एंड All the ministers shall be appointed by the president on the advice of prime minister. ये आर्टिकल 75 बोलता है, 75-1 says that the PM shall be appointed by the president and other ministers shall be appointed by the president on the advice of PM. बोलने का मतलब क्या हुआ कि जितने भी ministers हैं, ministers मतलब जो council of ministers के part हैं, वो जो ministers हैं जितने भी, वो सारे कौन appoint करता है, उनको appoint किया जाता है by the प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया किसी पर्सन को कोई भी मिनिस्टर अपॉइंट नहीं कर सकता। एक्चुअल में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को प्राइम मिनिस्टर लिस्ट बना के भेजती है और उस लिस्ट के अनुसार फिर वो एक पर्सन को मिनिस्टर अपॉइंट करता है। अब मेरे दोस्तों, मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बहुत सारे होते हैं, हमें पता है। लोकसभा है हमारे देश में, राज्यसभा है हमारे देश में। लोकसभा में अबाउट 545 मेंबर्स होते हैं, राज्यसभा के भी 250 के अराउंड मेंबर्स होते हैं। तो इतने सारे हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं, पर ये सारे मिनिस्टर्स नहीं होते। मिनिस्टर्स मतलब वो लोग जो देश में मेन मेन मिनिस्ट्रीज को होल्ड करते हैं, जैसे फाइनेंस मिनिस्ट्री, जैसे डिफेंस मिनिस्ट्री, रेलवे मिनिस्ट्री, वुमेन मिनिस्ट्री, एजुकेशन मिनिस्ट्री, तो इनको होल्ड करने वाले मिनिस्टर्स। तो इन सभी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में से प्राइम मिनिस्टर कुछ एक अपने विश्वसनीय लोगों को मिनिस्टर्स बनाते हैं और उनको हम मेंबर ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बोलते हैं। अपॉइंट कौन करता है उनको, प्रेसिडेंट करता है। तो प्रेसिडेंट हर किसी को मिनिस्टर नहीं बनाता, इतने सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में से वो केवल उन्हीं को मिनिस्टर बनाता है जिनको प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं प्रेसिडेंट को, कि इनको आप मिनिस्टर अपॉइंट कर दीजिए। अब मेरे दोस्तों, क्वेश्चन ये राइज होता है कि इतने सारे मेंबर्स हैं पार्लियामेंट के, तो मिनिस्टर्स कितने बनेंगे, कितने लोग मिनिस्टर बन सकते हैं, क्या 10 बंदे मिनिस्टर बन सकते हैं, या 500 बन सकते हैं, 200 बन सकते हैं, 400 बन सकते हैं, कितने लोग मिनिस्टर बन सकते हैं। तो मेरे दोस्तों, अब बात आती है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का साइज कितना होगा, कितने लोग मिनिस्टर बनेंगे। तो मेरे दोस्तों, 91st अमेंडमेंट से पहले कोई ऐसा प्रोविज़न नहीं था जो साइज ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बात करता हो। पहले क्या होता था, प्रधानमंत्री किसी को भी मिनिस्टर बना देता था, जो अपना अच्छा, जिसके साथ अच्छी बॉन्डिंग हुई उसको मिनिस्टर बना दिया, कोई रोक टोक नहीं थी। लेकिन हाँ, 2003 में 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को पास किया गया। इस अमेंडमेंट के जरिए आर्टिकल 75 में अमेंडमेंट लाकर क्लोज 1A ऐड किया गया, और आर्टिकल 75 क्लोज ए अब बात करता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का साइज कितना होगा। अकॉर्डिंग टू दिस आर्टिकल, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उसका जो साइज होगा, इट शैल नॉट एक्सीड 15% ऑफ टोटल मेंबर्स ऑफ द हाउस ऑफ पीपल और लोकसभा। व्हाट डज इट मीन, इट मीन दैट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, द टोटल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स स्ट्रेंथ वुड नॉट एक्सीड द टोटल नंबर ऑफ हाउस ऑफ पीपल और लोकसभाज 15%। अर्थात लोकसभा या हाउस ऑफ पीपल के 15% जो होंगे वो लोग मिनिस्टर्स बन सकते हैं। इसका मतलब क्या बोलने का, कि लोकसभा की टोटल स्ट्रेंथ जो है ना, उसका 15% निकाल लो। जो 15% बनेगा, अगर मान लो 15% 20 बनता है फॉर एग्जांपल, तो 20 लोगों को आप मिनिस्टर्स बना सकते हो। अब आप देख लो, आपने उनको कैबिनेट मिनिस्टर बनाना है, स्टेट मिनिस्टर बनाना है, डिप्टी बनाना है, वो आपकी मर्जी है। पर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एक बहुत बड़ा टर्म है, ये तीनों उसके अंदर आते हैं, बात याद रखना। कैबिनेट, स्टेट और डिप्टी मिनिस्टर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का पार्ट है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में बहुत सारे मिनिस्टर्स आते हैं,
उसमें कैबिनेट मिनिस्टर भी आते हैं, स्टेट मिनिस्टर भी आते हैं, डिप्टी मिनिस्टर भी आते हैं। तो मैक्सिमम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कितने हो सकते हैं? टोटल 15% ऑफ द मेंबर ऑफ लोकसभा, इससे ज्यादा नहीं हो सकते। आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो मेरे दोस्तों, अब हम देखेंगे टाइप ऑफ मिनिस्टर्स, अर्थात मैंने पहले बताया कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है ये बहुत बड़ी टर्म है, काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स, बहुत सारे मिनिस्टर्स। लेकिन इस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में बेसिकली तीन प्रकार के मिनिस्टर्स आते हैं। सबसे पहले कैबिनेट मिनिस्टर्स, अदर वन स्टेट मिनिस्टर्स, अदर वन डिप्टी मिनिस्टर्स। कभी कभी पेपर में क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द कैबिनेट एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो आप यही लिखना है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एक लार्ज बॉडी है, कैबिनेट एक स्मॉल बॉडी ऑफ मिनिस्टर्स हैं। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है उसमें तो कैबिनेट मिनिस्टर, स्टेट मिनिस्टर, डिप्टी मिनिस्टर सभी आ जाते हैं, लेकिन कैबिनेट बेसिकली एक स्मॉल बॉडी ऑफ मिनिस्टर्स की, जिसमें प्राइम मिनिस्टर के बिल्कुल जो पास के, जिनके ऊपर प्राइम मिनिस्टर को बहुत बिलीफ है, बहुत विश्वास है, वो मिनिस्टर्स इसमें आते हैं। तो तीनों को अच्छे से एक बार पढ़ते हैं, फिर आगे और डिस्कस करेंगे। तो अगर मैं कैबिनेट मिनिस्टर की बात करूं तो दीज आर टॉप मिनिस्टर्स होल्डिंग इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियोज। ये वो मिनिस्टर्स होते हैं जो टॉप रैंक पर होते हैं प्राइम मिनिस्टर के साथ काम करने के लिए, और जो इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियोज, इंपॉर्टेंट विभागों को होल्ड करते हैं, जैसे डिफेंस मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, जैसे होम मिनिस्ट्री। तो जो टॉप रैंक के मिनिस्ट्रीज हैं उनको होल्ड करने वाले ये मिनिस्टर होते हैं, टॉप रैंक के मिनिस्टर्स होते हैं, और दे हैव राइट टू पार्टिसिपेट इन कैबिनेट मीटिंग्स। आपने सुना होगा बहुत बार कि प्राइम मिनिस्टर ने कैबिनेट के साथ मीटिंग ली। अब कैबिनेट मीटिंग में इनको ही राइट होता है पार्टिसिपेट करने का, स्टेट या डिप्टी मिनिस्टर्स कैबिनेट मीटिंग्स में पार्टिसिपेट नहीं करते। पार्टिसिपेट कौन करता है कैबिनेट मीटिंग में? केवल कैबिनेट मिनिस्टर्स। एक और बात आपको बता दूं मेरे दोस्तों, टर्म कैबिनेट कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन में यूज नहीं की गई थी 42वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से पहले, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से पहले कभी कहीं भी पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में कैबिनेट वर्ड यूज़ ही नहीं किया गया था। बट 44th अमेंडमेंट जब कॉन्स्टिट्यूशन में आया 1978 में, तो इस अमेंडमेंट के जरिए जो आर्टिकल 352 है, जिसमें बात की गई है नेशनल एमरजेंसी की, बात की गई है प्रोक्लेमेशन ऑफ एमरजेंसी की, वहाँ पर सबसे पहले ये वर्ड ऐड किया गया कि अगर प्रोक्लेमेशन ऑफ एमरजेंसी करनी है तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया तभी एमरजेंसी डिक्लेयर करेंगे जब उनको राइटिंग में प्राइम मिनिस्टर और उसके कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर लिख कर दें कि आप एमरजेंसी लगाओ। तो पहली बार वर्ड कैबिनेट 1978 में 44th अमेंडमेंट के बाद आर्टिकल 352 में आया था। इससे पहले हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये वर्ड कहीं नहीं था, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वर्ड था शुरू से। अब दूसरा स्टेट मिनिस्टर, अगर मैं स्टेट मिनिस्टर्स की बात करूँ तो ये कैबिनेट मिनिस्टर से बिलो रैंक के होते हैं। ये दो प्रकार के हो सकते हैं स्टेट मिनिस्टर, या तो वो जिनको इंडिपेंडेंट चार्ज मिला है, कोई इंडिपेंडेंट पोर्टफोलियो मिला है, कोई इंडिपेंडेंट कोई विभाग मिला है काम करने के लिए, या वो जिनको इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल होल्ड नहीं मिला है, इंडिविजुअल चार्ज नहीं मिला है। जिनको इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल चार्ज नहीं मिलता वो जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं हमारे उनके अंडर काम करते हैं। तो स्टेट मिनिस्टर्स कैबिनेट मिनिस्टर से लो रैंक के हैं। उसके बाद डिप्टी मिनिस्टर्स, तो डिप्टी मिनिस्टर की बात की जाए तो ये कैबिनेट मिनिस्टर्स और स्टेट मिनिस्टर को असिस्ट करते हैं, इनसे भी लो रैंक के मिनिस्टर्स होते हैं जो कि कैबिनेट या स्टेट मिनिस्टर्स को असिस्ट करते हैं। अब मेरे दोस्तों, अगर मैं बात करूं कि क्या एक पर्सन जो किसी भी हाउस का मेंबर नहीं है, ना राज्यसभा ना लोकसभा, अ पर्सन हु इज नॉट द मेंबर ऑफ ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, कैन ही बिकम द मिनिस्टर? क्या एक पर्सन जो किसी भी हाउस का मेंबर नहीं है क्या वो मिनिस्टर बन सकता है? तो आंसर है आर्टिकल 75 क्लोज 5 के अनुसार यस। एक पर्सन जो किसी भी हाउस का मेंबर नहीं है वो भी मिनिस्टर बन सकता है। अगर प्राइम मिनिस्टर को लगता है कि ये बंदा मैंने मिनिस्टर बनाना है, ये बंदा बहुत बढ़िया है या अच्छे से काम करता है या अच्छा नॉलेज है, तो उसको भी मिनिस्टर बनाया जा सकता है, नो डाउट। लेकिन इसमें शर्त ये है कि 6 मंथ्स के अंदर अंदर, 6 महीने के अंदर अंदर उस पर्सन को, जिस पर्सन को मिनिस्टर बनाया गया है, उसको दोनों में से किसी हाउस की, राज्यसभा या लोकसभा, दोनों में से किसी हाउस की मेंबरशिप लेनी पड़ेगी। अ नॉन मेंबर कैन बिकम अ मिनिस्टर आल्सो, अ नॉन मेंबर ऑफ द हाउस ऑफ पीपल और हाउस ऑफ और काउंसिल ऑफ स्टेट्स
कैन बिकम द मेंबर। राज्यसभा लोकसभा का जो मेंबर नहीं है वो मिनिस्टर बन सकता है, वो मिनिस्टर बन सकता है, पर शर्त यह है कि 6 मंथ के अंदर अंदर उसको राज्यसभा या लोकसभा की मेंबरशिप लेनी पड़ेगी। अब आगे आता है ओथ ऑफ सीक्रेसी। जब भी मिनिस्टर्स को अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के जरिए प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस पर, तो वो सभी के सभी मिनिस्टर जो हैं वो प्रेसिडेंट के सामने ओथ ऑफ सीक्रेसी लेते हैं। ओथ ऑफ सीक्रेसी का मतलब है कि जो भी सीक्रेट मीटिंग होगी वो उसको सीक्रेट रखेंगे, बाहर आकर रिवील नहीं करेंगे। बहुत सारे कैबिनेट की ऐसी मीटिंग्स होती हैं जो केवल कैबिनेट्स को पता होता है, बाहर के लोगों को पता ही नहीं होती। तो ओथ ऑफ सीक्रेसी लेंगे, जो कैबिनेट में डिस्कस हुआ, कौन से मिनिस्टर्स में डिस्कस हुआ वो बाहर बात नहीं जाएगी, उन तक सीमित रहेगी, पॉलिसी है चाहे जो मर्जी है। तो ओथ ऑफ सीक्रेसी दिलाई जाएगी, आर्टिकल 75 क्लोज 4 ये बात बोलता है। अब बात आती है कि इन मिनिस्टर्स की सैलरी एंड अलाउंसेस क्या होंगे, तो इनकी सैलरी एंड अलाउंसेस वो होंगे जो पार्लियामेंट बाय लॉ बताएगी। द सैलरी एंड अलाउंसेस ऑफ द मिनिस्टर शैल बी डिसाइडेड बाय द पार्लियामेंट बाय मेकिंग अ लॉ। अब मेरे दोस्तों हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये दोनों प्रिंसिपल्स पार्लियामेंटेरियन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के बड़े ही महत्वपूर्ण प्रिंसिपल्स हैं। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का जिक्र आर्टिकल 75 क्लोज 3 में किया गया है। इसके अनुसार जितने भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, ऑल द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स वुड बी रिस्पॉन्सिबल कलेक्टिवली टूवर्ड द हाउस ऑफ पीपल, टूवर्ड द लोकसभा। अर्थात लोकसभा जिसमें 550 तक की स्ट्रेंथ होती है, उस सभी लोकसभा के मेंबर्स के प्रति, मेंबर्स के सामने, मेंबर्स के प्रति उत्तरदायी होंगे हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। अब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स तो स्मॉल बॉडी है, लोकसभा की केवल 15%, तो जितनी 15% बॉडी है वो सारे के सारे जो भी काम करेंगे उन कामों के लिए लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होंगे, उनको लोकसभा में आंसरेबल होना पड़ेगा अपने कामों के लिए। ये तो हो गया कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात। अब आते हैं इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो मिनिस्टर्स हैं वो इंडिविजुअली भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं लोकसभा के प्रति, वो इंडिविजुअली व्यक्तित्व तौर पर भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो लोकसभा के प्रति। ये दोनों प्रिंसिपल बहुत महत्वपूर्ण है पार्लियामेंटेरियन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में। अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसका मतलब है कि जो भी वो काम कर रहे हैं एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एज ए इंडिविजुअल मेंबर, इंडिविजुअल मिनिस्टर, तो जो भी वो काम करेंगे उनसे क्वेश्चन किया जा सकता है लोकसभा के जरिए। बाकी मिनिस्टर जो है लोकसभा में है, उन सभी बाकी जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, नॉट मिनिस्टर, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उनसे क्वेश्चन कर सकते हैं कि बताइए हमें आपने ये काम किया, इसके पीछे क्या रीजन है, क्या इसके पीछे रीजनिंग है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। अब मेरे दोस्तों लास्ट में पढ़ेंगे कि जो एक बार मिनिस्टर बन गया तो उसको डिसमिस कैसे किया जा सकता है अपनी पोस्ट पे, पोस्ट से। तो मेरे दोस्तों यहाँ पे आर्टिकल 75 क्लोज 2 के बारे में बताऊंगा, जो बात करता है कि जितने भी मिनिस्टर्स हैं दे शैल होल्ड द ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेजिडेंट। जितने भी मिनिस्टर्स हैं जिनको प्राइम मिनिस्टर एडवाइस करते हैं, प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, वो अपनी पोस्ट तब तक होल्ड करेंगे जब तक प्रेसिडेंट चाहते हैं। ही और शी शैल होल्ड द ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। अगर प्रेसिडेंट नहीं चाहेंगे तो उनको कभी भी उनकी मिनिस्ट्री के पद से हटाया जा सकता है। अब प्रेसिडेंट चाहते हैं, इसका मतलब सिंपल सा है, प्राइम मिनिस्टर चाहते हैं, क्योंकि प्रेसिडेंट तो जस्ट नाम के अध्यक्ष हैं। मैंने पहले बताया प्राइम मिनिस्टर को लगेगा कि ये मिनिस्टर मैंने हटाना है, मिनिस्टर सही से काम नहीं कर रहा, मेरी बात नहीं मान रहा, मेरे अनुसार नहीं चल रहा, तो प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट को बोलेंगे इसको इसकी मिनिस्ट्री से हटाओ, प्रेसिडेंट ऑर्डर पास कर देंगे। तो जितने भी मिनिस्टर्स हैं दे शैल होल्ड द ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, एंड प्रेसिडेंट शैल एक्सरसाइज दिस प्लेजर ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। तो मेरे दोस्तों इस वीडियो में हमें पता चल गया कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो कि बहुत लार्ज बॉडी है, वो डिप्टी मिनिस्टर्स, कैबिनेट मिनिस्टर्स, स्टेट मिनिस्टर सभी को इंक्लूड कर दी है, और वो 15% से ज़्यादा नहीं हो सकती लोकसभा के स्ट्रेंथ से। मेरे दोस्तों आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें, हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें, हमें हमारे टेलीग्राम चैनल में जाके सब्सक्राइब करें, लो विद ट्वींस हमारा टेलीग्राम का पेज का नाम है। वैसे आप हमें फॉलो करें इंस्टाग्राम पर लो विद ट्वींस में जाकर, हमें लगातार सपोर्ट करें, शेयर करें चैनल को लगातार अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू सो मच।